दोस्तों, हो सकता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो किसी अदर डिवाइस में भी लॉगिन हो, चाहे आपने किया हो किसी फ्रेंड के मोबाइल में या फिर आपने किसी अदर डिवाइस में लॉगिन किया हो, चाहे किसी को आपको पासवर्ड पता चल गया हो और उसने लॉगिन कर लिया हो। कुल मिलाकर आपको पता नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है और आप चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं अदर डिवाइसों से लॉग आउट भी कर दूं, तो आप एक मिनट में लॉग आउट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन में से। बस आपके मोबाइल में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आपको सिखाता हूँ कैसे लॉग आउट करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अदर्स डिवाइस से। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन किया, पहले उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना जिसको आप अदर डिवाइसों से लॉग आउट करना चाहते हैं। पहले उसका लॉगिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आपको अपने नीचे कॉर्नर में आपकी फ़ोटो दिखेगी जो प्रोफाइल वाला आइकन है, इस पर क्लिक करना है। अब राइट साइड में आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। थ्री लाइंस पर क्लिक किया, अब आपको अकाउंट सेंटर में जाना है। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करते यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा वेयर यू आर लॉग्ड इन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मेरा फेसबुक भी शो हो रहा है, इंस्टाग्राम भी शो हो रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मुझे लोकेशन और मोबाइल सब कुछ शो हो गए हैं, ओप्पो रेनो 6 5G जोधपुर, एंड्रॉयड जयपुर, ओप्पो रेनो 6 जयपुर। तो भाई ये लोकेशन तो मेरी बिल्कुल गलत दिखा रहा है, जो डिवाइस है वो जरूर सही है। तो ओप्पो का मोबाइल मेरा ये वाला है, ये वाला भी है, एंड्रॉयड एक, तो भाई और डिवाइस टाइप अननोन जो शायद कंप्यूटर में, लैपटॉप में लॉगिन है। तो भाई मुझे तो लगता है मेरे सारे अकाउंट मेरे काम के हैं, मेरा ही लॉगिन है। अगर आपको शक होता है भाई ये वाले डिवाइस मेरा नहीं है, लोकेशन भी मेरी नहीं है, तो आपको क्या करना है उसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक किया और आपको नीचे सामने ऑप्शन दिख रहा है लॉग आउट का। लॉग आउट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सेकंड में आपका ये वाला अकाउंट उस जोधपुर वाले अकाउंट में जो मोबाइल में लॉगिन है वहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, लॉग आउट हो जाएगा। अब उसको अगर पासवर्ड पता है तो वो फिर से लॉगिन कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई उसको पासवर्ड पता है वो लॉगिन ना कर पाए, तो सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज कर लेना है आपको। पासवर्ड चेंज कर लिया फिर भी आपको डर है भाई वो लॉगिन तो ना कर लेगा, तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज पासवर्ड, इसके नीचे ऑप्शन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अकाउंट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेटिंग को ऑन कर लेना है, जैसे SMS और WhatsApp ले लेना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आपका ऐसे कोड आएगा, उस कोड को डाल देना और आपका अकाउंट है यहाँ पर जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, जब भी कोई भी आपके पासवर्ड और यूजर आईडी को डालेगा आपके पास हमेशा एक कोड आएगा, उस कोड के बिना आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खुद भी किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और जो कोई हैक करने का कोशिश कर रहा है, कोई फ्रेंड आपके अकाउंट को लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो सेटिंग है इसको इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अकाउंट आप सेफ रखना चाहते हैं। तो यह प्रोसेस इंस्टाग्राम अकाउंट को दूसरे डिवाइसों से लॉग आउट करने का, पासवर्ड का चेंज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की फुल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।